सो हेलो टीचर्स, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रून टेक फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जनरली ये जो हमारा चैनल है वो टीचर्स के लिए है, टीचर्स के लिए जो भी टेक्निकल से रिलेटेड आप जनरली ऑनलाइन टीचर हो चाहे ऑफलाइन टीचर हो, आपको जितने भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो सकते हैं ना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में सिखाते हैं। बाकी आपको किसी और भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके बताओ। और आज का हमारा जो वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे आप व्यूवर्स में से किसी एक का कमेंट मुझे दिखा जिनमें कहा गया था कि सर पीडीएफ में लिंक को कैसे ऐड करते हैं, पीडीएफ में लिंक को कैसे ऐड किया जाता है जरा बताइए। ठीक है, और एज ए टीचर ट्रस्ट मी आपको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल के किसी क्लास के टीचर हो और आप अपने किसी बच्चे को अलग अलग चैप्टर्स के नोट्स भेजना चाहते हो, ठीक है, या यूट्यूब के वीडियोस भेजना चाहते हो कि बच्चा आप ये जो टॉपिक है इस चैनल से पढ़ लो, ये टॉपिक इस वीडियो से पढ़ लो, इस टॉपिक इस वीडियो से पढ़ लो, तो आप एज ए टीचर क्या किया, आपने एक मस्त पीडीएफ बनाया जिसमें हर वीडियो को के लिए आपने क्या मतलब हर टॉपिक के लिए वीडियोज़ ऐड कर दिए। अब वो पीडीएफ आपने किसी बच्चे को या ग्रुप पे डाल दिया। अब बच्चे को अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो बच्चा क्या करेगा, अपने टीचर के अकॉर्डिंग, टीचर को पता होता है कि कौन सा टीचर क्या कैसे पढ़ा रहा है या कौन सी टॉपिक कितनी अच्छी है, तो टीचर आपको ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो जब बच्चे फिर को पीडीएफ मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं, उस पीडीएफ पे जब क्लिक करते हैं तो सीधे सीधे वो लिंक ऑपरेट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, जहां जहां पीडीएफ में लिंक लगा है वो ब्लू कलर से है। अब अभी मैं इस वीडियो यहां पे टाइटल लिखा हुआ है ना, और यहां पे क्या है क्लिक हियर, तो मैं जैसे इस पीडीएफ पे क्लिक करता हूं तो हमारा उस टॉपिक का पर्टिकुलर वीडियो चालू हो जाता है। और नॉट ओनली वीडियो, आप किसी नोट्स भेजना चाहते हो तो नोट्स शेयर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है। तो इसको कैसे ये लिंक लगाया जाता है पीडीएफ में, मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहे जा रहा हूँ, कभी ना कभी आपको फ्यूचर में बहुत जरूरत काम पड़ेगा। नॉट ओनली सिर्फ वीडियोज़ के लिंक नहीं, आप कोई वेबसाइट के लिंक लगा सकते हो, आप किसी नोट्स के लिंक लगा सकते हो, सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। कैसे ये बना है चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। बट वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते रहते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, और भी बहुत सारे एज अ टीचर ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाने का तरीका, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करें, गैजेट्स कौन सा यूज़ करें, हमारे चैनल पर भरमार है। OBS स्टूडियो को कैसे करें, है ना, मोबाइल से अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगा, उसका सेटअप कैसे करना है, सारी चीज़ें सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो एक बार प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन हमारे चैनल का जरूर चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, हमने अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लिया है और यहां पे मैं कुछ पीडीएफ ऐड कर, पॉपुलर वीडियोस एंड वेबसाइट। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी डिजाइनिंग कर रहा हूँ, अच्छे से थोड़ा डिजाइन कर लिया जाए, इसको थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं, इनके बीच का स्पेस को थोड़ा कम कर लेते हैं, रिमूव स्पेस। ठीक है, इनको सेंटर पे करके थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, नीचे वाले को रेड लाइन है इग्नोर ऑल और ये इग्नोर ऑल। ठीक है, इसको रेड कलर दे देते हैं इस तरीके से। ओके, अभी मैं इंसर्ट करता हूँ और कुछ टेबल्स ले लेता हूँ इस तरीके से, कुछ मैंने ये टेबल्स ले लिए। ठीक है, इस टेबल्स का साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, सेलेक्ट किया और इसको कर देता हूँ मैं 14। ठीक है, रहेगा। ठीक है, अब मैं अलग अलग चीज़ें यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। सर देखो, सबसे पहले तो हम अपनी वेबसाइट को मैं ज़रा ओपन कर लूँ। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट से काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट को यहाँ पे मैं लिंक लगाऊंगा पीडीएफ में। तो मैं अपनी वेबसाइट पे आया हूँ, यहाँ पे मैं बच्चों के लिए क्या बना रहा हूँ, एनसीईआरटी पे क्लिक कर रहे हैं, है ना, एनसीईआरटी पे क्लिक कर रहा हूँ और क्विक रिवीजन नोट्स फॉर क्लास 10th के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैथ्स के ये जो चैप्टर से मैं इनका लिंक लगाना चाहता हूँ, बच्चे मेरे यहाँ से नोट्स पढ़ पाएँ। ठीक है, चैप्टर 1 है रियल नंबर। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल कॉपी और यहाँ पे लाता हूँ रियल नंबर, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने जब पेस्ट किया तो क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिंक लगा हुआ था, तो यहाँ भी लिंक लगा, तो मैं इस लिंक को पहले तो यहाँ पे क्लिक करके इसको सबको सेलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पे अनलिंक का एक ऑप्शन आएगा, मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आएगा रिमूव हाइपरलिंक। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही मैं इस चैप्टर का भी लगा लेता हूँ, कंट्रोल कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल पेस्ट। ठीक है,
और बिल ले आते हैं, और ये तीन चैप्टर का, ठीक है। मैंने ये तीन चैप्टर का यहाँ कंटेंट ले आए, इसको राइट क्लिक करके रिमूव लिंक, राइट क्लिक करके रिमूव लिंक, ठीक है। और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, है ना, इस तरफ। इसका कलर दे देता हूँ मैं ब्लैक, ठीक है। ये हमारे हो गए। अब मैं इस तरफ लिंक लगाना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा पकड़ के मैं इस तरफ छोटा कर दूँ, लाइक दिस, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अब रियल नंबर में मैं चाहता हूँ कि जब बच्चा क्लिक करे तो मेरा इसका नोट्स हो। तो यहाँ रियल नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, ये रहा ये रियल नंबर के नोट्स, है ना। मैं ये लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करना है यहाँ पे आपको, फिर यहाँ ऑप्शन आएगा लिंक, लिंक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लिखना क्लिक हियर, ठीक है। क्लिक हियर मैंने लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे एड्रेस में लिंक पेस्ट कर देना है। तो ये देखो ये आ गया, ठीक है। उस तरीके से पॉलिनोमियल का मैं करता हूँ, बैक चलते हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल को ओपन करते हैं, है ना। ये लिंक को कॉपी करते हैं पॉलिनोमियल का, और यहाँ पे लिंक लगाते हैं, राइट क्लिक लिंक, यहाँ पे उसका नेमिंग करेंगे, क्लिक हियर, है ना, और यहाँ पे वो एड्रेस हम पेस्ट कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। एक और कर लेते हैं, है ना। अब लीनियर यहाँ जो है ना, इसके एक वीडियो में कर, जैसे कि ये टॉपिक को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं ये टॉपिक को कंट्रोल कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। बहुत बड़ा है तो इसको छोटा कर लिया जाए, 18 और छोटा, और छोटा, इस तरीके से। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो की लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक लिंक यहाँ पे लेता हूँ, प्ले वीडियो, है ना, प्ले वीडियो, और यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ वीडियो की। ये देखो मैंने बना लिया। तो इस तरीके से बना लेना है ना। इस तरीके से आपको ये, तो मान लो ये हमारा पीडीएफ हो चुका है रेडी। अब मुझे इसको पीडीएफ के फॉर्म में सेव करना है, ठीक है। तो आपको कंट्रोल एस दबाइए अपने लैपटॉप में, कंट्रोल एस दबाइए, या फिर यहाँ फाइल में जाइए, सेव एस पे जाइए, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। सेव एस पे जाइए, कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो दिस पीसी, या दिस पीसी पे क्लिक किया, या ब्राउज पे क्लिक लिए, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहूँगा, इसी नाम से सेव करना चाहूँगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में, ये मैं पीडीएफ क्लिक किया और ये सेव कर दिया, और ये ठीक, ये हमारा सेव हो चुका है। ये देखिए ओपन हो गया, ये देखिए हमारा ये पीडीएफ ओपन हो चुका है ना। ये मेरा विंडो 10 है, तो विंडो 10 में सेव एस का जो ऑप्शन है, विंडो 10 में जो सेव एस का ऑप्शन है, यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन मुझे यहाँ पे विंडो 10 में मिलता है। मैं एक ही फॉर्मेट को अलग अलग इसमें किसी में भी सेव कर सकता हूँ। हो सकता है विंडो 7 में भी ये चीज़ रहता है, और अगर नहीं है तो आप अलग से एडोब का फोटोशॉप यूज़ कीजिए, या फिर आप गूगल में डायरेक्ट, आप तो पहले ये बना लो, क्या बना लो, वर्ड में बना के वर्ड को सेव कर लो, फिर आप गूगल में जाके सर्च करो वर्ड 2 PDF, है ना। फिर वर्ड कोई भी उसमें वेबसाइट ओपन करना है ना। जैसे मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, सेव एस कर लेता हूँ इसको वर्ड के फॉर्म में, ब्राउजर में ए नाम से डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे मैं वर्ड के फॉर्मेट में ही सेव कर ले रहा हूँ, अगर आपके में पीडीएफ बनाने का सिस्टम नहीं है तो, ठीक है। तो चलो पहले चलो देखते हैं, पहले जो हमने जो पीडीएफ बनाया वो दिख कैसा रहा है। फिर मैंने ये देखो ये पीडीएफ है, और पीडीएफ में ये सारे लिंक्स हैं जो वर्किंग है। अभी मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये मैंने क्लिक किया लिंक पे, और आप देखोगे ये सीधे वेबसाइट पे भेज रहे हैं, कि लोग पूछ रहे हैं, तो ये मैंने क्लिक किया और सीधे ये चला जाऊंगा वेबसाइट पे, और वो पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिंक को ऐड करते हैं पीडीएफ में। अब किसी को भी आप पीडीएफ भेजिए, बंदा पीडीएफ पे क्लिक कर, लिंक पे क्लिक करेगा तो ये चीज़ें ओपन होंगी ही होंगी, ठीक है। दूसरा क्या तरीका मैंने बताया, कि अगर आपके लैपटॉप में वो कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं है पीडीएफ में, तो आप सीधे सर्च कीजिए वर्ड 2 PDF, नेट में सर्च कीजिए, है ना, और यहाँ पे कोई भी इसमें से यूज़ कर लीजिए। तो मैं आई लव पीडीएफ यूज़ करता हूँ। यहाँ वर्ड फाइल को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने ए नाम से ये वर्ड फाइल है, इसको सेव कर रहा हूँ, है ना, कन्वर्ट PDF ना। अच्छा, कभी कभी ये हम लोग इनके थ्रू, दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू कन्वर्ट करते हैं ना, कभी कभी होता है कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो लिंक को शो अप नहीं करती हैं पीडीएफ पे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आई थिंक ये जो वेबसाइट है वो सही से काम कर रहा हो, मैं इसको एक बार ओपन करके देख लेता हूँ, पहले इसको क्लोज कर देते हैं, ओपन, आइए देखते हैं काम। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही, एकदम काम कर रहा है ये, है ना। यहाँ प्ले पे क्लिक करते हैं और सीधे वीडियो प्ले, ठीक है।
सो आई होप गाइस आपको ये पीडीएफ बनाने में लिंक कैसे अटैच करते हैं आप सीख गए होंगे, और जिनका भी ये डाउट था आई होप आपको आपका वीडियो मिल गया। थोड़ा लेट हो रहा है, कोई बात नहीं गाइस, मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में 2-3 वीडियो जरूर अच्छे अच्छे डालने के लिए। बाकी आप लोग का कमेंट का मैं इंतजार करता हूँ, कोई अच्छा कमेंट आपका मिलता है तो मैं जरूर ठीक है, और मैं जल्दी कोशिश करूंगा, जल्द ही कोशिश करूंगा मैं अपने चैनल पर रेगुलर आपके लिए अच्छे अच्छे टीचर्स के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आता हूँ। जल्दी सब्सक्राइब कर दो, 1000 सब्सक्राइबर पार कर दो, 850 के सब्सक्राइबर कर चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पार कर दो ताकि यार मुझे भी काम करने में यूट्यूब पे मजा आए और मैं बहुत बेहतरीन देते हैं लेकर आता हूँ। ठीक है, तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। अगर कहीं पे कुछ डाउट आता है हमारे किसी भी वीडियोस में, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है एडुग्रोन टेक फॉर टीचर्स, फिलहाल आज के हम इस वीडियो में उन गैजेट्स और ज्वाइन कर लेंगे जिसके हम आपको और कुछ डाउट हो उसको क्लियर करेंगे। बाकी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करो और किसको किस तरीके से कब और कहां और